Hello students, now I am again with you with another topic of management accounting of unit 2. Topic is calculation of cash flow from operating activities applying the direct methods. So in my previous discussion or my previous lecture, I discussed with you the different important aspects of direct and indirect methods and different elements which comes and using indirect methods for preparing the cash flow statement from operating activities and other things. So today we discuss how to calculate the cash flow from operating activities by applying the direct methods. So this is the question which we are going to discuss with you, and the question is, and from the following information, calculate cash flow from operating activities. Applying direct method, trading and profit and loss account आपको दिया हुआ है for the ended year 31st March 2019. Particular amount ये आपको दिया हुआ है. Then the question में दिया है to cost of goods sold 1 lakh rupees. Credit side by sales आपको 1,50,000 आपको दिया हुआ है. Then there is a difference between credit and debit side. So gross profit it is 50,000. Then this gross profit come down and gross profit BD it is 50,000. And then this is some expenses. These are the some expenses. Salary is 12,000. Insurance premium 3,000. Depreciation 10,000. Net profit 25,000. This is a total 50,000, and some additional information is also there. Like opening 1st April 2018 को और फिर 31st March 2019 को debtors आपको दिए हुए 18,000, closing है आपकी 25,000, bills receivable 7,000, closing आपके 4,000, creditors opening 8,000, closing आपके 6,000, stock 20,000 opening, 25,000 closing, salary outstanding 2,000 opening and closing जो है 3,000. Prepaid insurance premium 1,000 and 1,000 in both cases. And this is the format which we use for calculating the net cash flow from operating activities applying the direct method. If adjustments are related to purchase, sales and expenses are given in the question, then we use this format I already discussed with you. So the format is total sale. यहाँ डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे सेकंड कॉलम ऑफ अमाउंट और फिर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवल एंड इसमें डेटर्स और रिसीवल्स आपके ओपनिंग बैलेंस होंगे तो उनको यहाँ ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड रिसीवल ये यहाँ कर देंगे. देन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आपको मिल जाएगा, लेस कैश पेड टू द सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज. अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले देखना है, उसमें ऐड स्टॉक करेंगे एट द एंड और लेस स्टॉक एट द बिगनिंग दोनों निकाल के देन टोटल परचेज हमें उसको मिल जाता है. तो जैसा कि आपको पहले भी हमने इसमें डिस्कस किया है इक्वेशन के फॉर्म में. और फिर ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेएबल क्रेडिटर्स प्लस बीपी इसमें आ जाएगा, लेस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेएबल ये आपका लेस हो जाएगा. देन कैश पेड टू द सप्लायर्स, करंट कितना कैश पेड हुआ सप्लायर्स को वो आपको मिल जाएगा. ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस हैं तो जैसे सैलरी वगैरह प्रीमियम वगैरह वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और उनको प्लस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको मिलता है. फिर जब कैश जनरेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो दैन इनकम टैक्स पेड कर देंगे अगर क्वेश्चन में दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इनकम टैक्स पेड नहीं करेंगे. देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको मिल जाएगा. तो दिस इज अ सॉल्यूशन. तो एज यू सी हियर, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको सबसे पहले टोटल सेल लिखनी है, टोटल सेल से आपकी 1,50,000 इन द क्वेश्चन. फिर ऐड किया आपने ऑपरिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आर 18,000 प्लस 7,000 देन इट इज 25,000. वो टोटल हो गया आपका इन दोनों को मिला के 1,75,000 आपका बनेगा. फिर लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आर 25,000 प्लस 4,000 आपका किया तो 29,000 आपका इसमें से जो है माइनस हो जाएगा. तो देन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर जो है 1,46,000 आपको मिलेगा.
इसके बाद फिर लेस कैश पे टू सप्लायर्स एम्प्लॉय पॉइंट हम लिखेंगे, एडिंग डालेंगे उसमें, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखेंगे, 1 लाख रुपीज आपको दिया था क्वेश्चन में, इसमें क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड हम लिख रहे हैं, तो 25,000 ऐड करा तो ये हो गया आपको 1,25,000। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग, जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 20,000, तो उसको लेस किया तो हमारे पास टोटल परचेज जो है 1,05,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। फिर ऐड इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स अगर हम देखें तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स अगर आपके होते हैं, बिल्स पेबल इसमें है नहीं, क्रेडिटर्स हैं तो हमने इसमें क्रेडिटर्स जो है 8,000 ओपनिंग जो है वो ऐड कर दिए, तो ये आपको मिला 1,13,000। और लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 6,000, देन वी गेट द 1,67,000 आपको मिल जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे जो एक्सपेंसेस हैं, जिनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, जैसे सैलरी है, सैलरी आपकी दी गई है, इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है, तो सैलरी में जो सैलरी आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 12,000 प्लस जो है आपकी इसमें आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग 12,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000 देन इट इज 11,000। और इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 माइनस 1,000 और प्लस 1,000, यानी कि ओपनिंग माइनस होगा क्लोजिंग प्लस होगा तो 3,000 ही रहेगा, तो टोटल मिला के 1,21,000, 1,21,000 रुपये आपका जो है कैश पे टू द सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज में आएगा। और इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो है आप देखेंगे तो 1,46,000 है ये, इसमें से 1,21,000 आपने माइनस किया तो आपको मिला 25,000। तो इट इज़ द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बट देर इज़ नो इनकम टैक्स, एंड डायरेक्टली आई राइट हियर द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे और उसको यूज करके ये क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए इसको एक साथ हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के और सॉल्यूशन के साथ साथ। तो ये तरीका है आपका, ये क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है एज ऑन 31 मार्च, ये आपको पूरी डिटेल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये आपकी सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट वगैरह और ये सब दिया हुआ है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, डेटर्स से क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग बी आर, ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड अदर थिंग्स, तो ये सब आपको दिया हुआ है। फिर इसका हमने आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए टोटल सेल आपकी ये 1,50,000, ये आपको है बाई सेल्स जो लिखा है इसको उठा के हमने यहाँ रखना है, टोटल सेल्स 1,50,000, एड ओपनिंग बैलेंस और डेटर्स एंड बी आर। तो डेटर्स कितने हैं आपके, ये ओपनिंग बैलेंस है 18,000 रुपये का और बिल्स रिसीवेबल है 7,000 रुपये के, इन दोनों को उठा के हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, 18 और 7,000, ये है 17,000, कुल मिला के 25,000 रुपये आपने प्लस किया तो ये आपको मिला 1,75,000 रुपये यहाँ बन जाता है। फिर इसमें से लेस करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बी आर, ये क्लोजिंग बैलेंस है इसका 25,000 और 4,000 रुपये, इसको जोड़ा 29,000 रुपये आपका बना 29,000, इसको माइनस करके हमने वाला 1,46,000 रुपये आपका आया। तो इट इज़ अ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स जो है आपके पास बन गया, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर या कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर वहाँ पर आ जाता है। उसमें से फिर लेस करेंगे कैश पे टू सप्लायर, दूसरा एडिंग डालेंगे और सप्लायर्स को उसमें फिर हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखा, ये है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 रुपये, ये हमने यहाँ लिखा। एड स्टॉक एट द एंड, स्टॉक जो है ये है आपका एट द एंड 25,000 रुपये है, तो ऐड कर दिया तो कुल मिला के 1,25,000 रुपये हो गए। लेस क्लोजिंग स्टॉक एट द बिगनिंग, स्टॉक एट द बिगनिंग 20,000 रुपये, माइनस किया तो बस 20,000, तो हमारे पास 1,05,000 रुपये बचता है। फिर ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि ये क्रेडिटर्स हैं, अगर हम बीपीपी होता है तो वो भी यहाँ ले लेते हैं बिल्स पेबल, लेकिन वो नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीपी है आप क्रेडिटर्स से आपका 8,000 रुपये ये ऐड हो जाएगा, तो 1,05,000 प्लस 8,000 1,13,000 रुपये बनता है। फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है तो वो 6,000 रुपये है, इसको हमने लेस किया, लेस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, तो 1,07,000 रुपये आपके पास बचता है। तो इट इज़ अ कैश पेड टू द सप्लायर्स की जो अमाउंट है वो सप्लायर्स पे 1,07,000 रुपये आ जाती है। उसके बाद सैलरी हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में ऐड सैलरी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो सैलरी आपकी है, ये सब ऑपरेटिंग जितने पीएल में होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आपका जो बिजनेस को रन करने के लिए ऑपरेट करने के लिए 12,000 रुपये है और इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये प्लस हो जाएगा ओपनिंग, अब क्लोजिंग जो है वो माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के 11,000 रुपये आपको मिला।
वो यहाँ पर आ गया। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपये है, जबकि इसका ओपनिंग जो है वो 1,000 रुपये है और क्लोजिंग भी 1,000 है, तो माइनस प्लस दोनों बराबर होकर 3,000 रुपये आपका बनेगा, तो कुल मिला के 1,21,000 रुपये बनता है। तो इस तरीके से 1,46,000 रुपये यानी कि 1,46,000 जो है आपका कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर माइनस जो कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज है 1,21,000 माइनस किया, तो 25,000 जो है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट बिकॉज देर इज नो इनकम टैक्स रेट और नो इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, तो उसको हमने यहाँ से नहीं घटाया। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे और ये जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड जो है आपका बन जाता है। देन एक और फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट से को यूज करके भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड में। तो ये छोटा सा फॉर्मेट आपको समझना है, बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यहाँ पर लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में जो है आपकी डिटेल्स आ जाएगी, तीसरे कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। तो जैसे हमने इनफ्लोज देखा कहाँ कहाँ से पैसा आपका इनफ्लोज हो रहा है, तो कैश इनफ्लोज फ्रॉम सेल देख रहे हैं, तो सेल से 1,50,000 प्लस ओपनिंग डेटर्स 18,000 रुपये प्लस ओपनिंग BR 7,000 रुपये माइनस क्लोजिंग डेटर्स 25,000 रुपये ओपनिंग डेटर्स BR 4,000 रुपये, इन सबको जैसे कि क्वेश्चन में क्या था वैसे हमने यहाँ किया और कुल मिला के 1,46,000 रुपये आपके पास आ जाता है। फिर कैश आउटफ्लो ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से 1,00,000 रुपये प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड 25,000 रुपये माइनस स्टॉक एट द बिगनिंग 20,000 रुपये प्लस क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर 8,500 रुपये और माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर 6,000 रुपये 1,07,000 रुपये ये बन जाता है। तो ये 1,46,000 माइनस 7,000 39,000 आपको मिला। इसके बाद कैश आउटफ्लो ऑन एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग पेमेंट टू द एम्प्लॉयज सैलरी 12,000 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 2,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3,000 रुपये कुल मिला के 11,000 रुपये माइनस में, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट है माइनस आइट अमाउंट है। फिर इंश्योरेंस बीमा 3,000 रुपये प्रीपेड इन बिगनिंग क्या 1,000 रुपये और प्रीपेड एट द एंड 1,000 रुपये ये सब करके 3,000 रुपये ही रह जाएगा, ये भी माइनस है। तो कुल मिला के 39,000 माइनस 14,000 इट इज 25,000। दिस इज अनदर फॉर्मेट फॉर यूजिंग द कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी एंड यू जस्ट फॉलो द मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाय KL गुप्ता।